नमस्कार, मैं शिल्पा आप सबका स्वागत करती हूँ CIET NCERT के लाइव वेबिनार सेशन में, जो आप देख सकते हैं PMA विद्या के चैनल नंबर 6 से 12 में। और आज का हमारा चर्चा का विषय है क्रिएटिंग इंटरैक्टिव गेम्स यूजिंग learningapps.org, मतलब learningapps.org का इस्तेमाल करके इंटरैक्टिव गेम बनाना। और आज के हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सर्वेश पारिक, भारतीय विद्या भवन विद्या आश्रम प्रताप नगर जयपुर से। आपका स्वागत है डॉक्टर पारिक। धन्यवाद मैम। और इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, अगर आज आपके हमारे चर्चा के विषय से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, कुछ सुझाव है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स के द्वारा। नंबर्स हैं 1800-111-265 अथवा 1800-112-199। साथ ही आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर training@CIET.NIC.IN पर। इसके अलावा आप हमारी YouTube लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान भी कमेंट कर अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए अब डॉक्टर पारिक से पूछते हैं कि आज के वेबिनार के माध्यम से हम क्या क्या सीख सकते हैं। डॉक्टर पारिक जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे ये वेबिनार के सेशन में एज ए रिसोर्स पर्सन आने का मौका दिया। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है क्रिएटिव इंटरेक्टिव गेम्स यूजिंग learningapps.org। इस वेबिनार के माध्यम से मैं आपको चार चीजें बताने जा रहा हूँ। एक, जिसमें हम learningapps.org का परिचय देखेंगे, क्या विशेषताएं हैं उसकी, क्या कुछ सीमाएं हैं, learningapps.org की वेबसाइट पे हम अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसमें हम एप्स कैसे बना सकते हैं और एप्स बनाने के बाद उनको हम कक्षाओं और छात्र छात्राओं को कैसे असाइन कर सकते हैं। learningapps.org यह एक Web 2.0 एप्लीकेशन है, जिसका निर्माण बर्न यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में एक शोध परियोजना के अंतर्गत किया गया था। इसमें इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स बेस पे आधारित है, जिसका उपयोग सीखने और शिक्षण प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। इसमें कुछ टेम्पलेट्स पहले से ही मौजूद हैं, जो इसकी उपयोगिता को और बेहतर बनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें तो यह रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स पर आधारित है, जिसका उद्देश्य रिक्रिएट करना है। अगर हम इसकी विशेषताओं की चर्चा करें तो ये पाते हैं कि यह सबसे पहली विशेषता यह है कि निशुल्क और आसान है। यह फ्री ऑफ कॉस्ट होने के कारण इसका उपयोग सबसे ज्यादा दुनिया में होता है। यह वेबसाइट और एंड्रॉयड फोन के माध्यम से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके सीखने की कोई उम्र नहीं है, हम इसे कभी भी सीख सकते हैं और यह किंडरगार्टन यानी केजी क्लास से लेकर क्लास 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है। एक सबसे बड़ी विशेषता मैं ये बताना चाहता हूँ कि सभी विषयों पर आधारित है और विशेषतर भाषा जो शिक्षक हैं, लैंग्वेज जो टीचर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। इसका कंटेंट टाइप देखें तो टेक्स्ट भी है, इसमें हम ऐड कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, ऑडियो कर सकते हैं और एक्टिविटी बेस्ड कंटेंट भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यह ऐप जो है वो 23 विदेशी भाषाओं में भी उपलब्ध है और सबसे खास बात यह है कि हम गूगल हिंदी इनपुट के माध्यम से इसमें हिंदी का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हम चाहें तो इसमें अपने जो और रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अगर इसमें बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स के लिए साइन इन की आवश्यकता नहीं है, स्टूडेंट को हम डायरेक्ट लिंक भेज सकते हैं और दे कैन ज्वाइन वाया QR कोड। इसमें हम स्टूडेंट्स के लिए सही और गलत उत्तर के लिए फीडबैक और हिंट भी ऐड कर सकते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशन जरूर है, जो ये है कि ये हायर क्लासेस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है और कुछ इसमें जो एप्स बने हुए हैं वह विदेशी भाषा में है और विदेशी भाषा में होने के कारण वो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, इसलिए वो अनुपयुक्त हो सकते हैं। चलिए हम गूगल में इसमें अगर हम डालते हैं तो learningapps.org, जब हम इसमें डालते हैं तो यह learningapps.org को इस तरह से हमको सर्च करेंगे तब ये विंडो अपीयर होती है। विंडो अपीयर होने के बाद इस तरह की हम ये स्क्रीन हमारे उसमें दिखाई देगी। इसमें हम देखते हैं कि बिना लॉगिन करें हम ब्राउज एप्स कर सकते हैं, जो कि
यहाँ पे देखिए विभिन्न कैटेगरीज के माध्यम से अरेंज है, और अभी यहाँ पे मैंने लॉगिन नहीं किया है, हम यहाँ से डायरेक्ट ब्राउज कर सकते हैं बिना एप्स को, ठीक है। इसके पश्चात अगर हम इसी में कंडीशन सर्च भी कर सकते हैं, मान लीजिए हमें ऐसा ऐप चाहिए जो सिर्फ इमेज के ऊपर आधारित हो, ऐसा ऐप जो ऑडियो के आधारित हो, ऐसा ऐप जो वीडियो पे आधारित हो। हम इसमें और भी कंडीशन लगा सकते हैं कि एलिमेंट की मतलब क्लासेस के हिसाब से भी हम इसमें कंडीशंस लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसको लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के पश्चात ये इस तरह की विंडो अपीयर होती है। इसमें हम अगर अपना हमारा पहले से अकाउंट क्रिएट है तब तो हम डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, और अगर हम फर्स्ट टाइम यूजर है तो हमको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के पश्चात हम देखते हैं कि हमको यूजर नेम डालना पड़ेगा, एक हमारा ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, पासवर्ड जो हम सेट करना चाहते हैं वो, रिपीट पासवर्ड, और यहाँ पे तीन चेक बॉक्सेस दिए हुए हैं, हमको उन चेक बॉक्सेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, और उसी के बाद हमको ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है जैसे 6A RF2G ये हमको डालना पड़ेगा, तभी हम इसमें आगे लॉगिन रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इसका ईमेल पे वेरिफिकेशन आएगा, तभी जाके हमारा इसमें अकाउंट क्रिएट होगा। इसके बाद जब हम हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाता है या हम लॉगिन कर लेते हैं तो हमारा इस तरह का ये ऐप मतलब वेबसाइट खुलती है, और जहाँ पे हमें क्रिएट ऐप का फीचर मिल जाता है, माई क्लासेस का फीचर मिल जाता है और माई ऐप का फीचर मिल जाता है। क्रिएट ऐप में जब हम क्लिक करते हैं तो हम और अधिक क्रिएट कर सकते हैं ऐप्स को जो हमारे यहाँ पे टेम्पलेट्स मौजूद हैं। माई क्लासेस में हम क्लासेस असाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो स्कूल में या कॉलेज में जो हमारी क्लासेस चल रही है वो, और माई ऐप्स में हम हमारे द्वारा बनाए गए ऐप्स हैं उन सबको अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमने जैसे मैंने माई क्लासेस में माई ऐप्स में जाके मैंने यहाँ पे एक फोल्डर का बटन दिया हुआ है, उसमें हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनको, क्योंकि मैं लाइब्रेरियन हूँ और मैं क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि मैंने क्लास 1 के लिए, क्लास 2 के लिए, 3 के लिए मैंने कौन कौन से ऐप्स बनाए जिससे मैं उसको आसानी से अपने बच्चों तक पहुंचा सकूं। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूंगा ऐप को, ये ऐड ऐप पे क्लिक करेंगे, ऐप पे ऐड करने के बाद ये हमारे पास फोल्डर क्लिक ओपन हो जाएगा। फोल्डर ओपन होने के पश्चात हम इसमें उस फोल्डर का ऐप अपने फोल्डर में डाल सकते हैं। इसके पश्चात हम माई क्लासेस में हमको क्लासेस असाइन करनी पड़ेगी, ये सभी मैं भी आपको बाद में प्रैक्टिकल सेशन में भी बताऊंगा। और इस तरह से भी मैंने 1, 2, 3, 4 क्लासेस असाइन कर रखी है, और क्लासेस कैसे असाइन करेंगे हम वो भी सीखेंगे। उनके बाद हम विद्यार्थियों को यहाँ पे इन क्लासेस में व्यवस्थित करते हैं। इसके पश्चात हमने जैसे क्लासेस के अंदर हमारे अंदर एक सब फोल्डर बनेगा स्टूडेंट्स का, हमको कैसे स्टूडेंट्स को लेना है, अंदर एडमिट करना है, कैसे उसको यूजर नेम पासवर्ड देना है, तो वो देने के लिए हम डायरेक्ट लिंक भी भेज सकते हैं और डायरेक्ट ऐसा इस तरह से क्यूआर कोड भी भेज सकते हैं। इस क्यूआर कोड को भेजने के बाद यहाँ पे देखिए बच्चों का अपने आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी मिल जाता है, और डायरेक्ट मोबाइल के थ्रू वो स्कैन करके क्यूआर कोड के थ्रू भी जो छोटे बच्चे हैं वो इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये एक एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ स्टूडेंट को हम शेयर कर सकते हैं वाय व्हाट्सएप लिंक और एनी अदर लिंक। इसके पश्चात ये मैं एक शीट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट को कोई ऐप बना के भेजा, और ऐप बनाने के बाद स्टूडेंट ने जो उसमें जो प्रतिक्रियाएं भरी उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं कि किस बच्चे ने उसको देखा, किस बच्चे ने उसको नहीं देखा, कितने समय में उसने उसको सबमिट किया, ठीक है। अब ये ऐप्स बनाने के चरण है, तो ऐप्स बनाने के चरण जो है वो 5 चरण है। इसमें हम 5 स्टेप्स में ऐप्स बना सकते हैं कि हमको सबसे पहले एक आइडिया सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह का ऐप बनाना चाहते हैं। उसके पश्चात हमको जो यहाँ पे टेम्पलेट दिया हुआ है उस टेम्पलेट्स में से हमको टेम्पलेट पिक करना पड़ेगा, फिर कंटेंट को फिल करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, लेकिन सेव और शेयर से पहले हमको उसको पब्लिश करना बहुत जरूरी है। जब तक वो पब्लिश नहीं होगा तब तक वो ऐप हम शेयर नहीं कर सकते। ये ऐप के जो है इसमें 8 प्रकार के सिंपल ऐप्स बनते हैं, जैसे कि मैचिंग पेयर, ग्रुप असाइनमेंट, नंबर लाइन, सिंपल ऑर्डर, फ्री टेक्स्ट इनपुट, मैचिंग पेयर ऑन इमेजेस, मल्टीपल चॉइस क्विज, और एक और है। इसी तरह से 11 प्रकार के गेमिंग ऐप्स हैं, ऐप मैट्रिक्स,
ऑडियो वीडियो, मिलियनर गेम, ग्रुप पजल्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, वर्ल्ड बीट, वेयर इज व्हाट, गेस द वर्ड, हॉर्स रेस, पेयरिंग गेम और गेस। इस तरह से हम ऐप बना सकते हैं। अब इस हर हर ऐप में तीन प्रकार का कंटेंट हमको भरना पड़ता है। इस कंटेंट को हम तीन भागों में विभाजित कर रखे हैं। एक हेडर, एक फूटर कहलाता है, एक कंटेंट कहलाता है और एक ऐप सेटिंग। हेडर और फूटर में हमको ऐप टाइटल क्या डालना है वो भरना है, टास्क डिस्क्रिप्शन, मान लीजिए हमें बच्चों को ये कुछ कुछ पर्टिकुलरली कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, वो हम इसमें यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद फीडबैक में हम ये डाल सकते हैं कि आपने सफलतापूर्वक ऐप को कंप्लीट किया, अपना टास्क किया है। हम इसमें बच्चों के लिए हेल्प भी डाल सकते हैं कुछ हिंट्स के माध्यम से। इसके बाद लर्निंग ऐप्स में कंटेंट अगर हम डालना है तो कंटेंट को डालने के लिए पांच प्रकार दिए हुए हैं। हम टेक्स्ट के फॉर्म में भी डाल सकते हैं, इमेज की फॉर्म में भी डाल सकते हैं, स्पीच टेक्स्ट टू स्पीच की फॉर्म में भी डाल सकते हैं, ऑडियो फॉर्म में और वीडियो फॉर्म में भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात हमको ये सेटिंग करनी पड़ेगी जिसमें कि ये लास्ट में ये दिया हुआ है मैचिंग पेयर्स डिसअपीयर, कि जब आंसर सबमिट हो जाता है तब हम चाहते हैं कि ये डिसअपीयर हो जाए या हमें दिखता रहे, इस तरह से हमको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। इस तरह से ये हमारे ऐप की सेटिंग होती है। ऐप में किस प्रकार की फाइलों का उपयोग किया गया है वो यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि टेक्स्ट है, इमेज है, टेक्स्ट टू स्पीच है, ऑडियो और वीडियो है। इसके अलावा हम इसका उपयोग विभिन्न टैबलेट्स के माध्यम से कर सकते हैं और प्रत्येक हर मॉड्यूल इसमें अलग अलग तरह के दिए हुए हैं, उन मॉड्यूल्स को हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके पहले से ही कई एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। हम उन एग्जाम्पल्स को रिक्रिएट भी कर सकते हैं और वैसा का वैसा ही उसकी जैसा एक नया सिंपल ऐप भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो है कैसे प्रकाशित करना है, मतलब पब्लिश कैसे करना है, मैंने ऐप तो बना दिया, ऐप बनाने के बाद मैं उसको जब तक पब्लिश नहीं करूंगा या पब्लिकली ओपन नहीं करूंगा वो किसी को विजिबल नहीं होगा, वो दूसरों की पहुंच तक जाएगा नहीं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक पब्लिक ऐप करके एक बटन दिया हुआ है, हम उस पर जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के पश्चात इस तरह की एक विंडो अपीयर होगी जिसमें हमको टाइटल, कैटेगरी, सब कैटेगरी, कीवर्ड्स, कुछ अगर क्लासेस वगैरह है वो मेंशन करनी है, वो इस तरह से हम वो डाल करेंगे और उसके डालने के बाद सेंड रिक्वेस्ट करेंगे, तभी जाके हमारा ऐप ये पब्लिश होगा। मैंने यहाँ पे हर प्रकार के ऐप के कुछ उदाहरण यहाँ पे ये बताए हुए हैं और ये बनाए हुए हैं और इसका उपयोग क्या है ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है कि मैं इस ऐप को मैं किस इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसका किस तरह से इसमें मतलब किस तरह के क्वेश्चंस हम इसमें डाल सकते हैं, ये मैंने सभी ऐप के यहाँ पे इसमें बताने का प्रयास किया है। इस ऐप की ये विशेषता है learningapp.org की, ये मोबाइल फ्रेंडली भी है, साथ ही साथ लैपटॉप और डेस्कटॉप फ्रेंडली भी है। इसके पश्चात मैं एक स्टेटिस्टिक्स आपको एक महीने के लास्ट देना चाहता हूँ कि किस तरह से लास्ट 28 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक के बीच में इसका उपयोग कितना बढ़ा है। तो अगर हम देखें तो 6 करोड़ उपभोक्ताओं ने इसका इस्तेमाल किया है। अब मैं अपनी अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ और मैं अब आपको इसका हैंड्स ऑन सेशन दिखाने चाहता हूँ जो इस प्रकार से मौजूद है जी। अब ये हम हैंड्स ऑन सेशन करेंगे, तो हैंड्स ऑन सेशन के लिए ये अभी मेरा ऐप मैंने क्या किया, मैं आपको वापस से शुरू से ही दिखा सकता हूँ कि मैंने गूगल में मैंने ये गूगल खोला, गूगल में मैंने learningapp.org डाला, मैंने ये सर्च किया तो मेरे पास ये वेबसाइट आई। वेबसाइट आने के बाद यहीं पे मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे अभी मैंने लॉगिन नहीं किया है और मैंने क्रिएट ऐप का और ब्राउज ऐप का मेरे पास ये फैसिलिटी मिली हुई है मुझे बिना लॉगिन कर रही पे, लेकिन क्योंकि मैंने मेरे अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है तो मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे डालना है। मैंने ये पासवर्ड डाल दिया और मैं यहाँ पे अपने मैंने ऐप जो है वो मेरी वेबसाइट खुल चुकी है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि माय क्लासेस हैं, ये मेरी क्लासेस यहाँ पे दिख रही है आपको। अब मैं मान लीजिए क्लास क्रिएट करना चाहता हूँ, क्लास 9 तक मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, मैं क्लास 10th ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लास 10th मैं यहाँ पे लिखूंगा
और मैं यहाँ पे क्रिएट क्लास कर सकता हूँ। इस तरह से ये देखिए मेरी क्लास 10th क्रिएट हो गई। इसके पश्चात अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं अपने ऐप में जो है स्टूडेंट्स का डिटेल डालूँ, तो सपोज करिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स का ही क्लास 10th में ही ऐड करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है। मैं दो माध्यम से कर सकता हूँ, या तो मैं स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकता हूँ या इन्वाइट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्रिएट एडिशनल स्टूडेंट अकाउंट में क्लिक करूंगा तो मैं मेरे पे ये विंडो खुलेगी मुझे, और मैं यहाँ पे जैसे मैंने अपना ही नाम डालना हूँ सर्वेश, और मैंने यहाँ पे पारिक मैंने ये डाला, और जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा इसको सबमिट करूंगा तो ये एंटर मारा मैंने, यहाँ पे मेरे लिए यूजर नेम और पासवर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं तो इम्पोर्ट करना चाहता हूँ कहीं से, तो मैं इसको अगर बल्क में मेरे पास है तो मैंने यहाँ पे कुछ रेडीमेड नाम भी आपके लिए कम समय बचाने के लिए यहाँ पे सोच रखे हैं, तो मैं उसको भी इस्तेमाल इसमें कर सकता हूँ। चलिए अभी मैं आपको यही दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे यहाँ से मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है यहाँ पे मुझे डायरेक्ट बल्क में डालना है, मैं SARWESH मैं वापस यही डाल रहा हूँ आपके सहूलियत के हिसाब से, मैं ये वापस यही मैंने ये एक साथ ऐसे ही बल्क में डाल दिए और उसको मैंने यहाँ पे एंटर दबा दिया। तो मैंने ये इंपोर्ट दबा दिया तो ये मेरे पास ये नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह से मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं इसको फिर सेव भी कर सकता हूँ। सेव करने के पश्चात अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक नई विंडो अपीयर हुई, यहाँ पे मेरे पास लॉगिन पासवर्ड आ गए। अब मैं जब ये इसको मैं अपनी पूरी क्लास के बच्चों को अगर मैं इसको भेजूंगा तो मैं ये शीट जो अभी मेरे पास अपीयर होगी मैं इस तरह से इस पूरी शीट को अपने स्टूडेंट्स को भेज सकता हूँ। स्टूडेंट्स को भेजने के पश्चात यहाँ पे हर बच्चे का जो है QR कोड भी जनरेट हुआ है, और वो एक मिनट ये अभी दिखेगा आपको। तो वो ये QR कोड भी हम भेज सकते हैं बच्चों को, ठीक है। ये इस तरह से QR कोड हर व्यक्ति का जो है हर बच्चे का इस तरह से QR कोड हो जाता है, तो वो एक्सेस कर सकता है इन QR कोड पे डायरेक्ट स्कैन करने के पश्चात। ये तो ये बात भेजने स्टूडेंट्स को भेजने की हुई। अब मैं आपको ऐप बनाना यहाँ पे एक बार, इससे पहले मैं आपको अपनी क्लास में ऐप माय एप्स में से ऐप को कैसे हम ऐड करेंगे अपने फोल्डर में, तो यहाँ पे ये फोल्डर का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे मैं जाऊँगा इस पर क्लिक करूंगा। मैंने कुछ क्रिएट अ फोल्डर मैंने कोई नाम दिया, मैंने यहाँ पे लिखा CIET और मैंने ये क्रिएट करने का यह किया तो यहाँ पे अपीयर आ जाएगा ये CIET के नाम से। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया, इस पर जब मैं क्लियर बटन करूँगा तो मैं यहाँ से अपने यहाँ पे जो मैं ऐड ऐप कर सकता हूँ, ये जो मेरे पास ऑलरेडी पहले से बिल्ड था। मान लीजिए मैंने क्लोथ का कोई ऐप लेना है तो यहाँ पे, या मेरे एनिमल्स का कोई ऐप लेना है तो जो भी मेरे पास यहाँ पे ऐप मौजूद होगा वो मैं यहाँ पे इसमें ऐड ये क्लिक ये टाइप हो गया और ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे कलर्स का एक ऐप जो है दिखाई आपको दे रहा है। अब हम चलते हैं कि हम कैसे ऐप बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे से हम ब्राउज कर सकते हैं बहुत सारे जो ऐप पहले से मौजूद है इसमें से, इसी में मैं कंडीशन लगा सकता हूँ स्टेजेस की, इसी में मैं मीडिया के हिसाब से मैं इमेजेस वाली या ऑडियो वाली इस तरह से हम कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ स्टेजेस यानी क्लास के हिसाब से प्राइमरी या सेकेंडरी इस तरह के भी हम यहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हैं। लेकिन इसके बाद शायद हम ऐप बनाएंगे। ऐप बनाने के लिए हम चलते हैं कि क्रिएट ऐप में गए, यहाँ पे अब ये टेम्पलेट्स वाला जो पार्ट आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐप बना के यहाँ पे दिखाता हूँ मैचिंग पेयर्स जो है ये ऐप कैसे बनता है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक में जब मेरे पास पहले से एग्जाम्पल दिए हुए थे, लेकिन मैं एग्जाम्पल में यहाँ पे हम हिंट के लिए देखना चाहते हैं
मैंने जो अभी बताया था कि विदेशी भाषाओं में तो कुछ जो एप्स हैं वो हमारे हमारे लिए अनुपयोगी हैं, तो ये क्योंकि हमको समझ में ही नहीं आएगा, तो इसलिए ये उदाहरण के रूप में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ कुछ कुछ नहीं, इन्होंने इंग्लिश में भी दिया रखा है, तो हम वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम समझते हैं तो। नहीं तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट ही हम क्रिएट न्यू ऐप पे क्लिक करेंगे, और क्रिएट पे करने के पश्चात अब हम यहाँ पे, मैंने सबसे पहले टाइटल डाला और मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए सेट किया हुआ है जो मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। समय की सदुपयोगिता के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पहले से ही डाल रखा है, मैच द ऑर्गन्स विद देयर पिक्चर, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे डाल दिया मैच द ऑर्गन्स विद देयर पिक्चर। मैं कुछ अगर टास्क, स्टूडेंट्स प्लीज, स्टूडेंट्स प्लीज अरेंज द पिक्स पिक्चर विद द गिवन वर्ड्स और मैच द फॉलोइंग, हम कुछ भी इस तरह से डाल सकते हैं। इसके पश्चात मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया, मैंने टेक्स्ट लिया यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ब्रेन ले लिया, मैंने ब्रेन ले लिया, मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया मैंने ब्रेन के साथ। अब मुझे अगर मैं हिंट देना चाहता हूँ तो हिंट दे सकता हूँ, मैं इसके साथ अब टेक्स्ट के साथ मैं इमेज जोड़ना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे इमेज भी अपने यहाँ पे डाल रखी है, तो मैं यहाँ से अपने फोल्डर में से ही अभी अपने लिए इमेज निकाल रहा हूँ, और ये मैंने यहाँ पे ब्रेन की इमेज जो है वो अपलोड कर दी। ये यहाँ पे अब मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है, मैं चाहता हूं कि मैं और इसमें डालूं, तो मैंने यहाँ पे लंग्स में डाल दिया, मैंने लंग्स दे दिया, मैंने इमेज यहाँ पे डाल दी और मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप से लंग्स की इमेजेस लेके आ जाऊंगा, मैंने ये लंग्स की इमेज डाल दी। मैं ऑफ ऐड करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे ब्रेन यूज कर लिया, लंग्स यूज के लिए मैंने किडनीज मैंने डाल दी। मैं ये वाला ऐप जो है वो पूरा का पूरा आपको कैसे पब्लिश होता है वो सारा का सारा बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको समय ले रहा हूँ। इसके पश्चात मैंने किडनीज के बाद मैं अब जो है मैं हार्ट चाहता हूँ आपको बताना कि मैं हार्ट का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इमेज लूंगा, मैंने अभी चार इमेजेस ले ली। इसके पश्चात अब मैं यहाँ पे एक ये कंडीशन जो मैंने बताया था सेटिंग में, मेक मैचिंग पेयर डिसअपियर, मैंने इसको राइट कर दिया। इसके पश्चात ये फीडबैक में डाल दी, ऑटोमेटिकली डाला हुआ होता है, ग्रेट यू वर फाउंड द सॉल्यूशन। इसके बाद अगर मैं कुछ, उसके पश्चात मैं इसको फिनिश एडिटिंग करूंगा। अब ये देखिए मेरा ऐप जो है इस तरह से, स्टूडेंट्स प्लीज अरेंज कर, मैंने जो टास्क दिया था वो दिख रहा है, स्टूडेंट्स प्लीज अरेंज द पिक्चर विद द गिवन वर्ड्स, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और ये इस तरह से जो ऐप है वो हमें दिखाई देने लगेगा। अब हम क्या करना है कि ये लंग्स है, लंग्स को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटीज के थ्रू मैंने इसमें अरेंज करना है। ये मैंने किया, ये अरेंज सही था इसलिए मेरा डिसअपीयर हो गया। मैंने मान लीजिए हार्ट को मैंने एक बार ब्रेन से इंटेंशनली गलत करता हूँ, ये देखिए ये रेड हो गया, इससे इससे ये पता चल रहा है ये मेरा आंसर गलत था। अब मैंने अगर इसको सही भी करना चाहता हूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और हार्ट को मैं वापस से उठा के मैं सही जगह पे मिला दूंगा तो ये डिसअपियर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ किडनी को उस तरह से, मैंने किडनी को भी कर दिया, ये गलत, अगर यहाँ पे गलती से भी हो सकता है तो मैं इसको साइड में उठा के कर दूंगा, ये मैंने किडनी कर दिया, मैंने ये ब्रेन कर दिया, इस तरह से मेरा ये ऐप बन गया और ग्रेट यू फाउंड द सॉल्यूशन। तो इस तरह से मेरे जो है वो मेरा ऐप जो है वो बन के रेडी है। अब मैं चाहूंगा इसको सेव करना, सेव करने के साथ अब मैं चाहता हूँ इसको पब्लिश करना, तो जो मैंने अभी मेरी पीपीटी में बताया था कि आपने जो ऐप तो बना लिया लेकिन ऐप को बनाने के पश्चात जो है वो पब्लिश करना बहुत जरूरी है। तो अभी यहाँ पे देखिए इसका हम ऐसे ही पता चल सकते हैं कि अभी जो मेरा क्यूआर कोड के साथ या जो लिंक में दिया हुआ है वो डिस्प्ले वाला यहाँ पे दिया हुआ है,
लेकिन जब तक, क्योंकि ये पब्लिश नहीं हुआ है, तो पब्लिश नहीं होने के कारण जो है ये पब्लिक को भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पब्लिक ऐप में क्लिक करना पड़ेगा। विजिबल नहीं हो पब्लिक ऐप में मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये विंडो अपीयर हो गई, मैच द ऑर्गन्स विद देयर पिक्चर। मैं यहाँ पे अगर कुछ करेक्शन करना चाहता हूँ तो मैं वो कर सकता हूँ कि मैंने मान लीजिए स्मॉल लेटर्स कैपिटल में अगर किया है तो, या अपना जो भी है अपना इंस्ट्रक्शंस को मैं इसमें सही कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने कैटेगरी डाल दी है, तो कैटेगरी में मैंने मान लीजिए साइंस है, जो भी है इस तरह से हम यहाँ पे डाल सकते हैं। बायोलॉजी की है, मैंने यहाँ पे मैंने सब कैटेगरी अगर कुछ डालनी है तो मैं यहाँ पे ये भी डाल सकता हूँ, और अगर मुझे कुछ ऐड करनी है तो मैं ह्यूमन, मैंने एक बार जस्ट एक सिंपल के रूप में आपको दिखाने के लिए मैंने ये डाल दिया, और मैंने एक क्रिएट अ फोल्डर कर दिया, ह्यूमन से रिलेटेड है ये, तो ह्यूमन एनाटॉमी एक्चुअली, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। और इस तरह से करने के पश्चात मैंने कीवर्ड डाल दिया ह्यूमन एनाटॉमी, इस तरह से डालने के पश्चात, और मैंने बॉडी बॉडी पार्ट मैंने डाल दिया, कीवर्ड डालना है ये, तो मैंने ये डाल दिया। इसके पश्चात मैंने इसमें एलिमेंट्री लेवल और प्राइमरी लेवल ये टिक कर दिया कि छोटे बच्चों के लिए। इसके बाद जैसे ही मैं ये सेंड रिक्वेस्ट करूंगा, तो सेंड रिक्वेस्ट करने के बाद ये मेरा जो है वो ऐप जो है वो पब्लिश हो गया है ना। और पब्लिश होने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे जो था मेरा लिंक जो था उसमें चेंजेस आ गया, वो डायरेक्ट मेरा ऐप नंबर यहाँ पे दिखने लग गया है। ठीक है, इस तरह से ये मेरा ऐप जो है वो पब्लिश हो चुका है। अब हम इसी तरह से दूसरे ऐप्स भी बनाएंगे, तो दूसरे ऐप बनाने के लिए हर ऐप के अब अलग अलग फीचर्स हैं। ये मैचिंग पेयर्स वाला बनाया था, अब मैंने ग्रुप असाइनमेंट का, ग्रुप असाइनमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए कि हमको दो ग्रुप में बांटना है किसी चीज को, तो मैं इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन ये दिखा सकता हूँ। मैंने मान लीजिए फाइंड अरेंज इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, मैंने एक सिंपल ये ले लिया, और मैंने यहाँ पे अब मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ, मैंने एड अनदर, अब मैं यहाँ पे दूसरा डालूंगा, सॉरी मैंने यहाँ पे यहाँ लिखना है मुझे, इसमें ऐसे था कि ऐसा इस तरह से, अब ये इस तरह से मैंने एक तीन बना दिए कि एक सिंगुलर पार्ट है, एक प्लूरल पार्ट है, और अब आपको कैसे अरेंज करना है। ठीक है, मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं नहीं, एक के साथ में दो ग्रुप तीन ग्रुप जितने भी हम ऐड कर सकते हैं वो भी हम ग्रुप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके पश्चात हम इसमें कोई फिनिश करेंगे, और फिनिश करने के बाद ये देखेंगे कि किस तरह से दिखाई देता है, ये इस तरह से आ गया। अब हमको इसमें अपियर होता जाएगा कि भाई ये ग्रुप जो है वो सिंगुलर फॉर्म में आता है या प्लूरल फॉर्म में, ये आ गया इरेजर्स आता है वो प्लूरल फॉर्म में आ गया। ये इस तरह से हमें बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ये पेंसिल है, ये पेंसिल्स, इस तरह से ही हमारा जो है वो ऐप जो है वो बन जाता है। इसके पश्चात हम तीसरे प्रकार का ऐप बनाएंगे, तो हम वापस क्रिएट ऐप में जाएंगे,
क्रिएट टैब में जाने के बाद नंबर लाइन वाला करेंगे। इसमें भी हम यही करेंगे कि इस ये नंबर लाइन पे हम क्रिएट टैब करेंगे। अरेंज द नंबर्स इन नंबर लाइन, ठीक है। इसके पश्चात मैंने यहाँ पे मिनिमम जितने भी हम चाहते हैं वो उतना दे सकते हैं, 1000 से लेके 10000 जितना भी हम चाहते हैं, पर अभी मैं यहाँ पे सिर्फ 10 से लेके 20 दे रहा हूँ। इसमें हम एलिमेंट्स कैसे ऐड करेंगे, एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ये मतलब मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन दे दिया हमने तैयार करके कि आप ये बताइए कि भाई इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है। तो एक तरीके से मैथ्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और यहाँ पे काम भी हो जाएगा। एक मैं शॉर्टकट मेथड अपना रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ये इस तरह से बन जाता है। इसके बाद हमने ये बनाने के बाद हमने इसको फिनिश कर दिया ऐप को। अब ये जो है हमारा ऐप बनके तैयार है और इस ऐप को हमको भेज सकते हैं। भेजने के बाद अब ये मतलब एक छोटे बच्चे के लिए दे दिया, आप इसको किस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, आप बॉडी पार्ट के रूप में अरेंज करने के लिए भी कह सकते हैं, मतलब जैसा आप चाहें वैसा। और अभी जैसे बच्चे को ये कह दिया भी आप इसमें ये 11+8 ये 11+8 कितने होते हैं, तो 19 होते हैं, तो आप आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे ये आंसर आते जाएंगे। 11+7 18 होते हैं, तो ये इस तरह से आ गए। 11+2 13 होते हैं, तो यहाँ पे आ गए। अब मैं इंटेंशनली गलत भी कर देता हूँ तो देखें आपको पता चल जाएगा जब हम इसको करेंगे। तो अब मैंने अगर ये किया है ये चेक कर सकता हूँ, तो मैंने अभी देखिए एक गलत किया है और 3 ही सही किए। तो इस तरह से हमको ये भी पता चल जाता है कि हमने कौन सा सही किया है कौन सा गलत किया है। इसी तरह से ये ऐप बन जाता है और इसको हमको पब्लिश करना होता है, ठीक है। अब हम आगे वाला ऐप बनाने की प्रयास करते हैं जो हमारे ऐप का चौथा पार्ट है। क्रिएट ऐप में जाएंगे, क्रिएट ऐप में जाने के पश्चात हम जो है सिंपल ऑर्डर में अगर हमको बनाना है तो हमने इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है यहाँ पे सिंपल ऑर्डर के लिए। मान लीजिए मैंने अरेंज द मंथ्स इन अरेंज द नेम ऑफ द मंथ इन असेंडिंग ऑर्डर इन सीक्वेंस, मैंने यहाँ पे ये टाइप कर दिया। इसके पश्चात अब मैं यहाँ पे कार्ड्स जो है वो अरेंज करता रहूंगा। मैंने मान लीजिए जो है वो मैंने जनवरी कॉपी किया, मैंने एक
उस तरह से मैंने ये नाम जो है मैंने ये ऐड कर दी है, अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, इस तरह से हमने ये कर दिया। अब ऑर्डर फॉर्म इस तरह से हम यहाँ पे डाल देंगे, और इसके बाद हाइड नंबर, हमने यहाँ पे हाइड नंबर्स कर दिया चाहे तो, और इसके बाद हमने यहाँ ऐड फिनिश एडिटिंग हम चोक। तो अब ये हमारे पास कार्ड यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे इस तरह से, कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप, ये सब पूरा जम्बल्ड अप है, आपको यहाँ पे इसको कैसे अरेंज करना है। जैसे यहाँ पे जनवरी कर दिया, जनवरी के बाद आपने फेब्रवरी कर दिया, इसके पश्चात आपने मार्च कर दिया, ये इस तरह का ऐप बनेगा। अप्रैल करेंगे, अप्रैल, मई, जून। मैं एक इंटेंशनली आपके लिए गलत भी कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैंने वहां डाला था, देखिए जनवरी से लेके और दिसंबर तक का ऑप्शन डाला था, तो आप यही जनवरी इधर आएगा और दिसंबर ऐसे, मतलब इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। मैंने एक इंटेंशन यहाँ पे गलत भी डाल सकता हूँ, तो ये लेगा भी नहीं, और अगर लेगा तो ये गलत होगा मेरा। अब मैंने ये देखिए चेक करने के लिए मेरे सारे यहाँ पे, क्योंकि गलत हो गए, क्योंकि पूरा प्रॉपर अरेंज नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे ऐसे किया, लेकिन मैं इसको आराम से इसको सही कर सकता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा टेस्टिंग करने के लिए मैंने गलत इंटेंशनली गलत कर रहा हूँ, आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैं इसको बना नहीं सकता। इसके बाद हम आगे वाला ऐप बनाएंगे कि जो है वो फ्री टेक्स्ट इनपुट है। फ्री टेक्स्ट इनपुट में कैसे करेंगे कि हमने सपोज कीजिए मैंने फिल इन द ब्लैंक्स, फ्री टेक्स्ट इनपुट के लिए मैंने नेम ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज करके एक मैंने ऐप जो है वो दिखाना बनाना है, नेम ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज। इसके पश्चात मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे कंटेंट में मैंने इसका इमेज के रूप में मैं बनाना चाहता हूँ। अब तक जो है वो हमने अभी तक टेक्स्ट वाले बनाए, अब हम थोड़ा सा इमेज के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। कि मैंने ये इमेज ले ली कि आप इस पे अपने बच्चों से बोलें कि नाम डालिए आप, तो इसमें मैंने यहाँ पे इसका मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। इसके पश्चात मैंने और इमेज ले लिए यहाँ पे, इमेज लेने के पश्चात मैंने मैंने ये महात्मा गांधी का ले लिया, और महात्मा गांधी, इसकी एक सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि इसका सॉल्यूशन में जैसे महात्मा गांधी मैंने लिखा है, तो ये आंसर में भी अगर लेगा तो ये महात्मा गांधी ही एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज अगर मान लो मैंने सिर्फ गांधी जी लिख दिया या एम के गांधी, इस तरह से अगर मैंने लिख दिया तो ये इसको आंसर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, मैं इसमें केस सेंसिटिव वगैरह भी इसमें यहाँ पे डाल सकता हूँ, और इसके पश्चात मैं इसको फिनिश एडिटिंग करके शो प्रीव्यू कर दूंगा। तो इस तरह से मैंने अभी जो बनाया था वो यहाँ पे दिख गया। अभी मान लीजिए मैंने एक कपिल, अब मैंने आपको बताया था मैं कि पूरा नाम जो है वो ही कर लेगा, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ KAPIL, सिर्फ कपिल डाल रहा हूँ, और अगर मैं देव डाल दूंगा तो ये मेरा आंसर सही माना जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ मैंने गांधी जी ही लिखा तो ये मेरा ये गलत बता देगा मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पे आंसर में तो महात्मा गांधी लिखा था। ये देखिए ये रेड आ गया और ये ग्रीन आ गया, ये वाला मेरा आंसर करेक्ट है और ये मेरा आंसर गलत है। तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं, ये इमेज के ऊपर है। ठीक है, इसके पश्चात हम जो आगे चल रहे हैं, जो पांचवा है वो छठा, मैचिंग पेयर्स ऑन इमेजेस। मैचिंग पेयर्स ऑन इमेजेस में कि हमको कोई इमेज लेनी है, और इमेज लेने के पश्चात कोई हमको उस पे मैचिंग पेयर्स बनाने हैं। तो अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे इंडिया का एक मैप ले लिया, और इंडिया का मैप लेने के पश्चात अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें स्टेट्स के नाम या सिटीज
तरह से कैपिटल्स के नाम ये डाले जाएं तो वो कैसे दिखेंगे और किस तरह से ये ऐप बनेगा। इस तरह से मैंने ये इंडिया का मैप डाला और इसमें मैंने मार्क ऑन इमेज, ये इस तरह से मैं यहाँ पे प्लेस मार्क कर दूंगा, यहाँ पे इसकी मेरे को ये इमेज चेंज कर दूंगा। मैं इसको वापस डिलीट करके और मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से इमेज ले रहा हूँ। ये मैंने एक ले लिया है। अब मैं इसमें मार्कर डाल रहा हूँ, मार्कर में मैंने रिवर्स का डाल दिया, फाइंड आउट द रिवर्स। इसके पश्चात मैंने यहाँ पे अब मार्कर जो है वो ऐड करने हैं, ठीक है। एडिट मार्कर, यहाँ पे मैंने जैसे यमुना नदी डाल दी, ठीक है। इस तरह से मैं मार्कर्स डाल सकता हूँ। इसके बाद मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। सेव कर ये इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्कर्स डाल दिए हैं और सेव कर दिया है, ठीक है। इसके पश्चात जब हम देखेंगे तो ये इस तरह से हमें दिखाई देगा। ये दो ऐप है कि आप ये बताइए ये कौन सी नदी है, ये कौन सी नदी है। तो यहाँ पे आपको डाल के गंगा है कि यमुना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो आपने अगर यमुना किया तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। इसके पश्चात आपको यहाँ पे देखना है कि गंगा है तो आपने ये गंगा रिवर, ऐसे इस तरह से आप आंसर डाल सकते हैं। इसके पश्चात हम जो अगला ऐप करेंगे, मैं इसको सेव कर देता हूँ, जिससे कि इसके पश्चात हम जो नया ऐप बनाएंगे वो ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैंने जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे पहले से ही सेट कर रखा है, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा लंबा पार्ट है। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। और इसके पश्चात मैंने यहाँ पे एक कि हम नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं, तो मैंने ये आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे सेट कर दिया। ये मैंने इसके मैंने आंसर्स जो है वो यहाँ पे मान लीजिए 29 अगस्त जो है वो मैंने, और इसको ये मेरा आंसर सही है, इसको मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया कि भाई आंसर ये जो है वो सही है। इसके बाद यहाँ मैंने और यहाँ पे लिख दिया 28 अगस्त, मैंने दूसरा और एलिमेंट ले लिया 27 अगस्त। इसके पश्चात मैंने एक और ले लिया
38 अगस्त। इसके पश्चात मैंने एक एड और अनदर क्वेश्चन, और मैंने ये लिख दिया हु अमंग द हु इज नोन एज ए फ्लैग सिख। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया, और क्वेश्चन डालने के बाद मैं आंसर डालूंगा यहाँ पे। डॉक्टर पारीक, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास अभी 10 मिनट रिमेनिंग है। जी मैम, जी तो मैम मैं बस ये इसके बाद जो है अब आपको अपनी जो मैंने पहले से ही जो ऐप्स तैयार कर रखे हैं जी उनके फटाफट से डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अभी ये वाला मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जी मैंने ये एक और आंसर डाल दिया। मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पे सचिन तेंदुलकर मैंने ये डाल दिया। इस तरह से मैंने एक और ऑप्शन डालना है, तो मैंने यहाँ पे कपिल इस तरह से मैंने एक जो है एमसीक्यू बेस्ड जो बनाया है, और इसको मैं जब एडिट करूँगा तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ये मतलब ये इस तरह से क्वेश्चंस आ गया कि फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। अब आप इसमें नेशनल स्पोर्ट्स डे दिस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है वो इस तरह से, और अगर हमारा आंसर गलत है और तो हमने गलत पे टिक किया तो वो रेड आ जाएगा, और 29 अगस्त को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो इसके पश्चात मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँ, ये मेरा सही है, यस मेरा सही है, और ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, इमोजी भी आ जाएगा। इसके पश्चात सॉरी मैंने मैंने दूसरा अगर मैंने ऐप क्वेश्चन करना है तो ये हु अमंग द फ्लाइंग सिख, मान लीजिए मैंने हरभजन सिंह कर दिया। मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ हरभजन सिंह, जिससे कि हमको पता चले कि ये गलत है, ओ सॉरी कि हमारा आंसर जो है वो गलत है। ये ऑटोमेटिकली इसमें इनबिल्ट फीचर है इमोजीज आने का, ये बताने के लिए मैंने इस तरह से किया है आपको। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो मैंने और एप्स बनाए हुए हैं मैं वो बताना चाहता हूँ कि कैसे हम ऐप बना सकते हैं। एक क्लोज टेक्स्ट वाला जो है वो ऐप है अबाउट राष्ट्रपति भवन ऑफ इंडिया। मैं हमने इसमें क्या करना है कि इमेजेस लेनी है, और इमेजेस के बारे में या हम टेक्स्ट दे दिया, हमने टेक्स्ट दे दिया, और टेक्स्ट के साथ साथ हम चाहते हैं कि ऑडियो भी दे दें, तो हम ये देखिए सुनेंगे यहाँ पे हमने। डॉक्टर पारेख, हम तो इस ये तरह ऑडियो तो से नहीं सुन पाए, लेकिन हाँ हम समझ गए कि हम ऑडियो को भी एम्बेड कर सकते हैं। जी हाँ, और ऑडियो भी इसमें हम डाल सकते हैं, और ये कॉम्प्रिहेंशन जो एक्चुअली ना इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होते हैं, तो ऑडियो के थ्रू हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी हम दे सकते हैं। उस ऑडियो में हमने डाल दिया, कुछ रेफरेंस डाल दिया बच्चों के लिए, ये वीडियो हमने डाल दिए, वीडियो के थ्रू भी हम ये कर सकते हैं, और उसके बाद बेस हमने क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डाल दिए कि राष्ट्रपति भवन का निर्माण किसने कराया था, कहाँ पे ये स्थित है, इस तरह से ये उसमें ये आंसर्स हमको फिल अप द ब्लैंक्स के रूप में हम ये दिख रहे हैं ये आ सकता है। जैसे राष्ट्रपति भवन द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और सॉरी गलत यहाँ पे आना चाहिए था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द वेस्ट एंड ऑफ द राजपथ इन न्यू दिल्ली, इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, और इस तरह से द बिल्डिंग कंप्लीटेड इन 17 ईयर, इस तरह से हम यहाँ पे ये फिल अप द कर सकते हैं, और इसके पश्चात ये चेक भी कर सकते हैं कि हमारे जो है आंसर ये दो अभी मेरे करेक्ट हैं, और बाकी सभी क्योंकि मैं समय के अभाव में कर नहीं पाया तो इसलिए ये मेरे गलत हो गए। इसके बाद वाला जो मैं ऐप बता के आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ऐप मैट्रिक्स वाला। ऐप मैट्रिक्स में जो है अगर हम बात करें तो ऐप मैट्रिक्स में दो ऐप्स को कैसे मिला सकते हैं, दो ऐप को जो हमारे 8 ऐप पहले बनाए हुए हैं उनका उपयोग है, हम इसमें दो ऐप को भी यूज कर सकते हैं, वो है इसका फायदा। ऑडियो और वीडियो विद नोटिसेस में भी वही जो अभी मैंने राष्ट्रपति भवन वाला दिखाया था वो हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। एक में जो ऐप और आपको दिखाना चाहता हूँ उसका फीचर बहुत ही डॉक्टर अच्छा, और पारीक, आपको ज्यादा
आपका सेशन सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास समय सच में बहुत कम है, हमारे पास हार्डली 2-3 मिनट्स है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप अगर कंक्लूड कर पाए अपना सेशन। जी जी, मैं एक लास्ट अपना ऐप दिखाना चाहता हूँ जी, जो कौन बनेगा करोड़पति से रिलेटेड है, और ये शायद बच्चों को हमारे ना बहुत द मिलियनियर गेम जो है कौन बनेगा करोड़पति से मिलता जुलता ही एक गेमिंग ऐप है, तो वो बहुत लोगों को मजा आएगा कि इसको उपयोग करने में। मैं वो दिखाना चाहता हूँ, एक ये वाला जो ऐप है वो कौन बनेगा करोड़पति की, जैसे कि जैसे ही हम इसको उपयोग में ले सकते हैं, मैंने इसका नाम ये है, इसमें भी वही हम जैसे रुपए के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप द इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन, तो हम कब मनाते हैं, हमने ये कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर दिया, तो हमको स्टेप्स इसने आगे बढ़ा दिए। द लैंग्वेज ऑफ लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज, तो ये मलयालम है, तेलुगु है, तो ये हमने अगर गलत किया है तो वो नॉट क्वाइट, ये मतलब हमको गलत बता देगा। इस तरह से ये हमारे एप्स जो है वो बनाए जाते हैं। जी मैम जी, बताइए मैम। डॉक्टर पारिक, वैसे तो हमारे पास अब सिर्फ 1 मिनट बचा है, लेकिन हमारे एक व्यूअर का मैं प्रश्न लेना चाहूंगी। उनका प्रश्न है कि क्या ये एप्लीकेशन में तरह तरह की भाषा क्या इसमें है, जैसे रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, क्या उसमें ऐप्स बना सकते हैं? जी हाँ जी, मैं बिल्कुल ऐप रीजनल लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा ही उदाहरण जो है गूगल हिंदी इनपुट के थ्रू, क्योंकि मैं हिंदी को ज्यादा अच्छे से समझ पाऊंगा और लैंग्वेज को मैं शायद नहीं समझ पाऊँ, तो मैंने अभी आपको गूगल हिंदी इनपुट के माध्यम से ही एक दिखाना चाहता हूँ। ये जैसे है, मैंने यहाँ पे मान लीजिए अली बाबा और 40 चोर, मैंने सिर्फ ये लिखा है, तो मैं इस तरह से इसको टाइप करके और कोई भी जैसा भी मैं बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अली बाबा 40 चोर में मैं क्योंकि पिक्चर वाला लूंगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो मैंने यहाँ पे एक टाइप करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्रिएट अ न्यू ऐप में अगर मैं गया, मैंने इस तरह का बनाया भी है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये मैं यहाँ पे अनटाइटल में देखिए, मैंने अगर पेस्ट किया तो वही अलीबाबा 40 चोर जो है वो मेरा एक्सेप्ट हो गया, ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं और किसी और लैंग्वेज इसी के थ्रू लूंगा, अगर मैं और रीजनल लैंग्वेज, तो वो भी मेरा इसमें बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मैंने बनाया है, ये वेयर इज वॉट करके एक ऐप बनाया था जो मैंने हिंदी में ही बनाया है। सॉरी ये वाला है, ये वाला है ऑडियो, ये वाला ऐप है जो मैंने हिंदी में ही बनाया है। इसमें मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एक चालाक लोमड़ी करके मैंने जो है ये दिया है, इसमें मैंने वही वीडियो लिया है, वीडियो को हम सुनेंगे और वीडियो सुनने के बाद हमको कुछ जो भी हम प्रश्न इसमें डालना चाहेंगे तो जी। डॉक्टर पारिक, यहाँ पर हमें हमारा सेशन जो है समाप्त करना पड़ेगा। जी मैम जी, तो आज के सेशन में हमने समझा कि learningapps.org क्या है और इसके फीचर्स के बारे में चर्चा की, साथ ही लिमिटेशंस को भी समझा, और साथ ही इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हम किस तरह से ऐप्स डिज़ाइन कर सकते हैं और लर्निंग को मज़ेदार कर सकते हैं। और इतने कम समय में डॉक्टर पारिक, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अगले सेशन में हम बात करेंगे एकेडमिक एडजस्टमेंट व्हेन स्कूल्स रीओपन, तो बने रहिए हमारे साथ, हाजिर होते हैं चंद मिनटों में।